प्यार के साथ उतनी ही पैशन भी मिलेगी आगे भी शायद। जी जी, नहीं मैं ये बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि लोगों को बहुत लगाव है सेराट से, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतना कमाल का प्रदर्शन किया है सेराट ने, और उनमें से कुछ लोग हम भी हैं जिनको इस फिल्म से इतनी मोहब्बत थी कि हमने कोशिश की कि उसको एक श्रद्धांजलि दें। और इस फिल्म को बनाने का मतलब हमेशा ये था कि ये जो कहानी है वो उतनी ही रेलेवेंट है राजस्थान में जितनी की महाराष्ट्र में है, और इस पूरे देश को ये कहानी बताना बहुत जरूरी लगा, और शायद इस वजह से शशांक ने ये फिल्म चुनी। शशांक माशाल्लाह एक ऐसी जगह में थे और हैं अभी कि वो कोई भी फिल्म चुन सकते थे, लेकिन इस फिल्म से उनको एक प्रेरणा मिली और उनको लगा कि ऐसी कहानी बतानी जरूरी है और अपने अंदाज से बताना, ये उनकी नियत थी। और हम सब ने बहुत ही शिद्दत से कोशिश की है कि हम एक नई फिल्म बनाएं, अपनी खुद की फिल्म बनाएं, उससे प्रेरणा लें। तो जी हाँ, आप दोनों अपनी फैमिली लिगेसी को आगे लेके जाने वाले, तो उस चीज का कितना प्रेशर है आप दोनों पर, क्योंकि आप दोनों की फैमिली जो है कपूर खानदान और आपका भी, तो क्या कहेंगे उस बारे में, लिगेसी को लेकर कितना प्रेशर है आप दोनों पर, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। प्रेशर का पता नहीं, प्रेशर भी शायद है, लेकिन मैं प्रेशर पे कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन जितना प्यार हमारी फैमिली को मिला है, मेरी फैमिली को मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, हम सब बहुत ही आभारी हैं। तो मैं भी उतना ही प्यार कमाना चाहती हूँ खुद के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उन लोगों को भी अपने काम के साथ खुश ही करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। मेरी फैमिली आज जिधर है वो सिर्फ उनके प्यार की वजह से है, तो मुझे भी उनको कुछ वापस देना है। मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार से सिर्फ बढ़ावा मिला है और तालीम मिली है, तो प्रेशर जैसे कोई भी नेगेटिव चीज़ों को मैं परिवार से एसोसिएट नहीं करता। वो एक नज़रिए की बात है कि आप एक नज़रिए से देखें तो आपको जिम्मेदारी लगेगी, एक नज़रिए से देखें तो प्रेशर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब इस कला से और इस दुनिया से प्यार करते हैं फिल्मों की, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, और अब जिस काम से मुझे मोहब्बत है वो काम करने का। तो बस कोशिश यही रहेगी कि मैं हर बार जी जान से काम करूं और ना सिर्फ अपने परिवार को लेकिन सारे दर्शकों को खुश करूं। आप दोनों ने मराठी फिल्म देखी होगी, तो आपका जो किरदार है वो मराठी फिल्म और ये हिंदी फिल्म का कितना अलग है? बहुत ही अलग है। मुझे लगता है कि परसिया और आर्ची जो किरदार हैं सेराट में, वो मधुकर और पार्थवी से बहुत ही अलग हैं। उनकी परवरिश अलग है, उनकी दुनिया अलग है, उनके ख्यालात अलग हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं जिंदगी में वो अलग हैं। तो जब आपस में उनका एक रिश्ता बनता है तो वो रिश्ता भी एक नया रिश्ता है। हमने उस कहानी से प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन एक नई फिल्म बनाने की कोशिश की है। और हाँ, इसके आगे अगर आपको कहूंगा तो फिर आपको फिल्म की कहानी पता चल जाएगी, फिर आप फिल्म नहीं देखने आएंगे, तो हम कम ही बोलेंगे तो बेहतर है। कुछ कह रहे हैं जी, आई थिंक द सेम, किरदार बिल्कुल ही अलग है, जाहिर है, क्योंकि परशा और आर्ची महाराष्ट्र है, करमाड़ा से है, और पार्थवी और मधु उदयपुर से है, तो उनकी परवरिश अलग है। पार्थवी एक राष्ट्रीय खानदान से है, तो उनके माँ बाप बिल्कुल अलग है, जिस तरह वो बात करती है वो अलग है, और हम दोनों एक्चुअली मधु और पार्थवी दोनों उदयपुर से बहुत ही अटैच्ड है, वो उनकी एक आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है हमारे स्टोरी लाइन को, इस कहानी को। आपको ये कैसे पता कि कौन से घंटे पे पहला शो होगा? I hope that people like
the film, and maybe, I mean, I don't know if people's lives will change after seeing it, but I hope that they take away something from it, because whatever I could take away from the experience, I think I have during the filming process. So मुझे जो सीखना था, जो जितना मिलना था इस experience से, filming के दौरान ही मिला मुझे. अभी जो होने वाला है, I hope कि मुझे काम करने का और भी मौका मिलेगा इस film के बाद. और मैं लोगों को अपने काम से खुश कर पाऊँ. लेकिन I mean now it's about giving, now it's about the audience, it's not as much about what will happen to me after the